जो है आपको समास बताए थे उसमें चार समास हो गए थे और दो समास बचे थे, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। एक आपको पहला में आपको बताया था अव्ययी भाव समास, दूसरा बताया था हमने आपको तत्पुरुष समास और तीसरा बताया था आपको कर्म धारय समास और चौथा बताया था हमने द्विमुख समास और पांचवा बताया था द्वंद समास और छठा बताया था आपको बहुव्रीहि समास। इसमें से हमने आपको पिछले दो वीडियो में पहला दूसरा तीसरा और चौथा चार समासों के बारे में बताया था, आज हम द्वंद समास और बहुव्रीहि समास पे चर्चा करते हैं। इसमें द्वंद समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जितना महत्व पूर्व पद का होता है उतना ही महत्व उत्तर पद का भी होता है। और बहुव्रीहि समास में इसमें अन्य दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं। तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में ये दो जो पद होते हैं आपका पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों जो है पद अप्रधान होते हैं और इसमें तीसरे अर्थ को प्रधानता दी जाती है। अब हमने और पढ़ा था इसमें अव्ययी भाव में पढ़ा था, इसका पूर्व पद अव्यय प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है। और इसमें हमने बताया था उसको पढ़ा था कि इन तीनों में तत्पुरुष कर्मधारय और द्वि इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। क्योंकि तत्पुरुष के ही दोनों भेद माने जाते हैं, पहले तत्पुरुष के दोनों भेद माने जाते थे कर्मधारय और द्वि। तत्पुरुष से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है और कर्मधारय से द्वि समास की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हमने जो है तीन छह समास में चार का पहले अध्ययन कर चुके हैं और आज दो समास पर हम लोग चर्चा करते हैं।
समास। पांचवा समास है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें समानता होती है, दोनों पद पूरक एक दूसरे के, ये पूरक भी होते हैं और इसमें दोनों पदों में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और योजक चिन्ह में जो है का सभी समासों में नहीं अधिकतर समासों में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सारे द्वंद्व समास सारे योजक चिन्ह वाले हमारे उदाहरण जो होते हैं वो द्वंद्व समास के नहीं होते हैं, अर्थात अधिकतर समासों में जो है ये द्वंद्व समास योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास होते हैं और विलोम भी होता है, एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और इनमें क्या होता है, विग्रह शब्द, विग्रह शब्द अथवा या और एवं, अगर हम ये विग्रह करने पर समस्त पद का अगर विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर अथवा या और एवं शब्द आए तो हम समझ लेते हैं कि वहां पे द्वंद्व समास है। अब देखते हैं उदाहरण में, जैसे माता पिता, अब यहां पे देखते हैं कि माता का विलोम पिता होता है और माता और पिता में योजक चिन्ह भी है और माता और पिता दोनों पूरक भी हैं, जिस प्रकार से माता पिता के लिए और पिता माता के लिए, ठीक है, और हवा पानी, हवा और पानी माता और पिता, माता चा पिता या, तो यहां पे हवा पानी भी दूसरे पूरक है अर्थात ये भी विलोम ही है हवा और पानी का। और देखते हैं जैसे आज कल, अब यहां पे आज का विलोम कल ये भी आया और ये देखते हैं कि अधिकतर समासों में नहीं होता है द्वंद्व समास, जैसे हमने देखा है यहां पे देवा सूर, अब यहां पे जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर, यानी देव और असुर हो जाएगा। अब जैसे यहां पे धर्म, धर्म जब इसको हम इस समस्त पद का विग्रह करते हैं तो धर्म, धर्म और अधर्म, इसका सदिश्चित धर्म प्लस अधर्म, तो इस प्रकार से मैं देखा कि इसमें और यहां पे ये हाइफ़न चिन्ह या योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इससे हम ये अगर यहां पे नहीं आता है तो भी हम यहां पर समझ लेते हैं कि ये हमारा द्वंद्व समास है। जैसे लाभा, लाभा, लाभ, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो लाभ, लाभ और अलाभ, तो यहां पर लेकर लाभ भी देखा हमने जो है और का
यहाँ पे दोनों पर प्रधान हो गए, ये दोनों पूरक भी सकते हैं और अधिकतर समासों में हाइफन चिन्ह या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विलोम एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। तो जैसे लाभ हानि, अब यहां पे लाभ या हानि, तो लाभ हुआ या हानि, तो यहां लाभ अथवा हानि, तो लाभ हुआ अथवा हानि, तो इससे भी हमें या अथवा या और एवं सब दिखाई पड़ते हैं तब भी हम समझ लेते हैं कि वहां पे द्वंद्व समास है। तो हमने देखा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद की पूर्व पद और उत्तर पद, जितनी पूर्व पद की प्रधानता है उतनी उत्तर पद की प्रधानता, दोनों पद एक दूसरे के पूरक हो गए। अधिकतर जैसे माता पिता हवा पानी दूसरे के पूरक है, योजक चिन्ह इसे अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अधिकतर समासों में होता है और जैसे हमने बताया कि समासों में विधान का लाभ आएगा तो इनमें योजक चिन्ह नहीं है इन उदाहरणों में, तो यहां एक भी उसके समास के उदाहरण है। जैसे ये धर्माधर्म इसका धर्म पीछे करते हैं तो धर्म का सधर्म हो जाएगा, अलग अलग करते हैं विग्रह करते हैं धर्म और धर्म हो जाएगा तो और आ जाएगा लाभ 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 और लाभ हान हो जाएगी लाभ हानि, लेकिन लाभ हान लाभ या हान, तो इस प्रकार से जो है सुख दुख सुख या दुख है ना, तो यहाँ पे समासों से हमें इस उदाहरणों से रिस्पेक्ट है और इसके नियम से हमने समझा कि ये द्वंद्व समास उदाहरण है। आगे देखते हैं समास गणेश जी,
यहां से हमारा ना तो लंबा से तात्पर्य और ना से उधर से है, तो लंबा और उधर ना छोड़ के हमारा जो गणेश जी की हो सकती जा रहा कि गणेश जी का उधर लंबा है। अब जैसे दशानन, अब जब इसका विग्रह करते समस्त का तो दस आनन है, जिसके अर्थात ना तो हमें दस पे जा रहा ना तो आनंद पे जा रहा, दस मुख है जिसके, वो कौन है अर्थात वो रावण। यहां पे ना तो दस से है तत्पर्य ना तो मुख से है लेकिन तात्पर्य से रावण से, तो तीसरा आप प्रधान हो रहा है। जैसे चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वो अर्थात शिव, अर्थात वहां पे शिव जी है, तो चंद्रमा है जिसके शिखर शिखर पर, चंद्रमा चंद्रमा है जिसके चंद्र अर्थात चंद्रमा है जिसके मोल मुकुट पर या मस्तक के ऊपर अर्थात मोल अर्थात कौन है शिव। नीलकंठ, अब यहां पे नीला है गला जिसका, नीला है गला या कंठ जिसका अर्थात अर्थात वो हो जाएगा उदाहरण शिवजी का जो है गला नीला है। अब इस प्रकार से अब जिस आता है जल लज, ये भी हो सकता है इसके अतिरिक्त भी हो सकता है देवी देवताओं के नाम के, जैसे जल जब जन्म पैदा हुआ, जल 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 माने पानी और जल पैदा हुआ, तो जल में पैदा हुआ वो है जो जल में जन्मा वो कौन है, ना तो जल है ना तो जन्मा है लेकिन वो कौन है, वो है आपका का नल। तो यहां पे हमें देखा कि दोनों जल और जल और जल दोनों में जो है जल में जन्मा था मतलब पंकज नीरज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है हमारे पौरी समास दोनों पद अप्रधान हुए और लंबोदर दशानन चंद्रशेखर चंद्रमोल नीलकंठ जलज और नीरज अंबुज पंकज और पंचानन चतुरानन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो है बहुवी समास में हमारे दोनों पद प्रधान नहीं है लेकिन तीसरा पद प्रधान। और एक चीज देखते हैं कि दशानन, अगर ये एग्जाम्पल हमारा बहुवी समास का नहीं है दिया है उसमें ऑप्शन, तो हम दशानन की जगह पे जो है वहां पे हमारा दिव समास दिया है तो दिव समास में लाएंगे, लेकिन जब उसका समस्त पद का विग्रह करेंगे तो आएगा दस मुखों का समूह, दस मुखों का समूह आने पर तब जो है वो हो जाएगा आपका दिव समास। नीलकंठ जैसे मैं पढ़ा नीला है गला जिसका अर्थात शिव जी, लेकिन अगर यही एग्जाम्पल हमारा नीलकंठ में नीला है जो कंठ है जिसका नीला नीला नील के समान है जो कंठ, दोनों पर इसमें कर्म धारा आपने पढ़ा होगा, कर्म धारा समास अगर दिया है बहुवी नहीं दिया है तो वहां पे चला जाएगा
कर्मधारय समास में। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर इन दोनों समास में जो है, इसीलिए इनमें उदाहरण है, ये पहले चारी समास थे उसमें जो है तत्पुरुष समास और ये आपका के समास से ही इनका उदय आपका जैसे दिव और कर्मधारय है। ठीक है, अगर इन समासों में बहुव्रीहि दिया है तो उसमें प्रधानता होगी, अन्यथा नीलकंठ है तो कर्मधारय। इसमें जो है इसका उत्तर पर प्रधान होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, इसमें मान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, गला जिसका नीला है नील के समान जिसका गला है, के समान है जो शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, और लेकिन इसमें भी है नीला है जिसका गला जिसका था शिवजी के लिए आप प्रयोग किया गया, किसे रथ की प्रधानता तब भी है बहुव्रीहि समास से आता है। इस प्रकार से हमने पढ़े द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।